उत्तरी कश्मीर के एलओसी के साथ सटे गुरेज में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट में लगभग एक दर्जन लोग जख्मी हो गए। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। एसएसपी बांदीपुरा हरमीत सिंह मेहता ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि संबंधित पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। रामनगरी अयोध्या में 500 वर्षों बाद बालक राम के भव्य मंदिर में विराजने के बाद से अयोध्यावासी खुशी से सराबोर है। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे भव्य दीपोत्सव समारोह देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। दीपोत्सव के दौरान सरयू नदी के किनारे घाटों को रोशन करने के लिए 28 लाख दिए जलाए गए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के सरयू घाट पर लेजर और लाइट शो और दियो और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता घाट लाइट एंड साउंड के जरिए रामलला का वर्णन किया गया। भारतीय सेना के जवानों ने बॉर्डर पर दीपावली मनाई, देशवासियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। जहां पूरा देश दिवाली के मौके पर जश्न मनाने के लिए तैयार है, वहीं हमारे भारतीय सेना के जवान सीमा पर देश की सुरक्षा करते हुए घर से दूर त्योहार मना रहे हैं। जवानों ने जलते हुए दीयों को रख कर हैप्पी दिवाली लिखा। इसके साथ ही देशवासियों को आश्वस्त किया कि हम बॉर्डर पर खड़े हैं, आप खुशी से दिवाली मनाएं। पूरा बॉर्डर एरिया भारत माँ की जय घोष से गूंज उठा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बेशक कहें कि वो केंद्र सरकार व उपराज्यपाल के साथ समन्वय बनाकर और जम्मू को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन उनके लिए ये आसान नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता व सांसद आगा सैयद रहुल्ला मेहंदी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को एक पत्र लिखकर नई सरकार पर दबाव बना दिया है। पत्र में रहुल्ला ने कैदियों की रिहाई, रिजर्वेशन, पासपोर्ट के लिए सीआईडी सत्यापन व जांच को सरल बनाने सहित नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई मुद्दों को सरकार की प्राथमिकता में शामिल करने का सुझाव दे डाला है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने ही नेताओं द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। एसएसपी बारामूला मोहम्मद जैद मलिक ने ट्रांजिट अकोमोडेशन ओडीना का दौरा किया, जहां कश्मीरी पंडित परिवारों से बातचीत की और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान एसडीपीओ पटन, डीएसपी पीएस पटन, एएसबी के कमांडर और पीएस पटन के एसएचओ भी उनके साथ थे। एसएसपी बारामूला ने परिवारों के बीच मिठाइयां बांटकर त्योहार की रात को खुशी और आनंद का माहौल बनाया। उन्होंने कहा कि दीपावली हमें समाज के सभी वर्गों के साथ खुशी और आनंद साझा करने की याद दिलाती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सैन्य नेतृत्व से तेजी से उभरते भू राजनीतिक खतरों और अवसरों के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावी ढंग से मजबूत करने के लिए सरकार के सभी तंत्रों के अधिक एकाग्र दृष्टिकोण के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। एस जयशंकर ने सैन्य कमांडर सम्मेलन 2024 के दूसरे चरण के समापन दिवस पर दिए संबोधन में ये टिप्पणी की। देश ही नहीं दुनिया भर में दीपावली की धूम हर तरफ दिखाई दे रही है। हाल ही में अमेरिका से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें यहाँ की सबसे ऊंची इमारत वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता दिखा। ये दृश्य बेहद खास था, क्योंकि इस साल दीपावली न्यूयॉर्क के लिए ऐतिहासिक बन गई है। व्हाइट हाउस में भी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने सभी मंत्रियों और अफसरों के साथ भारतीयों और अन्य विदेशियों के साथ दीपावली का त्योहार मनाया।